सब्सक्राइब करें SK2 वर्ल्ड फैक्ट चैनल को और इस घंटे को दबाएं ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो देख सके। आज हम आपको दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा, लेकिन यह ट्रेन बुलेट ट्रेन से भी तेज है। जापानी रेलवे ने हाल ही में इस ट्रेन का अनावरण किया है, जो कि 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इससे पहले जो ट्रेनें जापान ने चलाई थी वह करीबन 590 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। भारत में अभी एक भी बुलेट ट्रेन नहीं चलती, इसलिए शायद आपको यह रफ्तार ज्यादा लग रही हो, लेकिन जापान के लोगों के लिए यह एक आम बात है। इस ट्रेन को एक मील की दूरी तय करने में मात्र 10 सेकंड का समय लगता है और यह ट्रेन 11 सेकंड के अंदर 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। आपको बता दें कि आज से ठीक 52 साल पहले 1 अक्टूबर 1964 को जापान ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन सर्विस की शुरुआत की थी। यह ट्रेन आज भी चलती है और इसकी रफ्तार 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन टोक्यो से ओसाका के बीच चलती है। जापान की यह नई ट्रेन कई मायनों में बहुत खास है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रेन कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह पटरी से कभी नहीं उतरेगी। दूसरी खासियत यह है कि यह ट्रेन पूरी तरह से साउंड प्रूफ है, यानी कि बाहर की आवाज आपको अंदर सुनाई नहीं देगी। आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि आप ट्रेन में चल रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्रेन में सामान्य ट्रेनों की तरह नहीं है, इस ट्रेन में मैग्नेटिक सिस्टम लगाया गया है जिससे पैदा किए जाने वाले फोर्स से यह चलती है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह ट्रेन पटरी से 10 सेंटीमीटर ऊपर उठकर चलती है, जिससे कोई घर्षण या झटका नहीं लगता। इस ट्रेन के सभी परीक्षण हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी न्यूज़ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।